अभी ये पिच डार्क है और ये मैंने अभी अपने बाइक का हेडलाइट जलाया है। एलईडी बल्ब है इसमें और ये एलईडी बल्ब है, ये लोअर है, ये डिपर है और ये अपर है। लेकिन अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज़ द ऑक्सिलरी लाइट। अब ये एक ऑक्सिलरी लाइट मैंने लगाया है, एक और ये दूसरा मेरा ऑक्सिलरी लाइट है। तो ये जो मेरे ऑक्सिलरी लाइट है बाइक का, दैट इज अनमैचेबल। अब मैं इसको फ्रंट से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस प्रकार का, इट इज़ टोटली ब्लाइंडिंग एक्चुअली। तो ये दिस इज़ फॉर हाईवेज एक्चुअली। और ये अगर मैं आपको फिर से दिखाऊंगा ऊपर से, ये दीज आर द लाइट्स विच आई हैव टेकन। और ये ऑक्सिलरी लाइट्स हैं जो नीचे वाला अगर मैं ऑफ कर दूं तो ये दो है, और ये जो मैं ऊपर वाला ऑफ कर दूं तो ये सिर्फ हेडलाइट है। लेकिन मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि ये हेडलाइट जो है ये इसकी विजिबिलिटी है, और छोटा वाला ऑक्सिलरी लाइट और ये बड़ा वाला ऑक्सिलरी लाइट। सो समर सीज़न में अगर आप नाइट राइडिंग करना चाहते हैं तो दिस इज़ व्हाट यू नीड। ओके गाइज, और नाइट राइडिंग के लिए ये ऑक्सिलरी लाइट्स मेरी जो है इंटरसेप्टर 650 का रिव्यू है। तो अभी क्योंकि दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है और दिन में गाड़ी का इंजन भी बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए इस प्रकार का अगर अपन लाइट्स लगा लें तो अपन नाइट राइड बहुत सेफली हाईवे में कर सकते हैं। इसलिए आई रिकमेंड कि अच्छे ऑक्सिलरी लाइट्स पर थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए। और मैंने अपने लास्ट ओनरशिप रिव्यू में व्लॉग में बताया था कि ये लाइट्स जो हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक ये वाला लाइट है और एक यहाँ लगा हुआ ये लाइट है। अगर आप देखेंगे यू कैन वेरी वेल सी दिस लाइट, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी, ये क्री का है और ये HJG का है, इफ यू कैन सी। एंड दिस इज सिंपली ऑसम। awesome.